नेशनलिज्म इन यूरोप जो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था, दिस इज द चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आप फिर से, मैं एक बार ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देख रहे हो अपने चैप्टर में जो पहला पेज है, पहले पेज में ही एक पेंटिंग है। पेंटिंग इट इज अ सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स, चार अलग अलग प्रिंट्स बनाए गए थे। ये आपको 1848 में फ्रेडरिक सोरियू नाम के बंदे ने बनाया। इसमें क्या था, द ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड, इसमें था द ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। मतलब एक ऐसा दुनिया जो दुनिया डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स का बना हुआ है। ये इमेज एक यूटोपियन विजन था। यूटोपियन विजन का मतलब है कि भाई एक ऐसी दुनिया जो दुनिया बस कल्पना में हो सकता है, ड्रीम्स में, रियलिटी में होना इसका बहुत मुश्किल है, उसको हम यूटोपियन विजन कहते हैं। आखिर इस इमेज में दिखाया क्या गया, इस इमेज में दिखाया गया है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के तरफ अलग अलग देश के लोग अपने देश के नए रिपब्लिकन झंडा, जो ट्राई कलर फ्लैग्स वगैरह था, उसको लेकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के तरफ जा रहे हैं। अब अगर आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ध्यान से देखेंगे, उसके हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है एक हाथ में, और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, दी राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। एक हाथ में वो है, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। अब उस इमेज को और ध्यान से देखोगे तो उसके जमीन पर देखोगे तो आप देखोगे जो एब्सोल्यूट पावर्स के जो सिंबल होते हैं, जो राजा का, जो मोनार्की का जो सिंबल होता है, उसके क्राउन वगैरह, ये सब चीज जमीन में चारों तरफ फैले पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। मतलब जो मोनार्की है वो खत्म है। और इसी प्रिंट में आप आसमान के तरफ देखेंगे कि ये पूरे नजारे को एंजल्स देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं ये पूरे नजारे को। मतलब तीन चीजें, आसमान देखोगे तो एक ऐसा घटना घट रहा है जहां से सारे एंजल्स, गॉड्स ये देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि सोशल रिपब्लिक कंट्रीज के लोग अपने नए झंडे को लेकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के तरफ आ रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। और नीचे जमीन पर क्या है, जो मोनार्की था, जो एब्सोल्यूट पावर थे, उनके सारे सिंबल्स बिखरे पड़े हैं, मतलब वो खत्म हो गए हैं। ये इस प्रिंट ने बताया यूटोपियन सोसाइटी के बारे में, एक ऐसा सोसाइटी जो सिर्फ ड्रीम में, रियलिटी में नहीं हो सकता, होने के चांसेस नहीं है, ऐसे सोसाइटी के बारे में ये प्रिंट था। तो बेसिकली अगर हम यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुआ, वो बेसिकली यूरोप में चारों तरफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स एस्टेब्लिश थे, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। अब देखो, मैं लास्ट क्लास में ये वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया था, आज मैं इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, धीरे धीरे एडिशन करता जाऊंगा ताकि स्टोरी को और डिटेल में कंप्लीट करता जाऊं। तो नेशन स्टेट जो नेशनलिज्म था वो इसलिए था, नेशनलिज्म इसलिए था क्योंकि यूरोप में चारों तरफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे। अब मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स का मतलब क्या है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था, पैच वर्क ऑफ नेशंस। मतलब जो एक राजा है, उस राजा को इटली का कुछ हिस्सा मिला, कब्जा कर लिया, उसको पोलैंड का कुछ हिस्सा मिला, कब्जा कर लिया, उसको जर्मनी का कुछ हिस्सा मिला, कब्जा कर लिया। मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग हिस्सों को कब्जा करके अपना एम्पायर बनाया है उसने। अब उस एम्पायर में क्या हो रहा है कि सारे लोग अलग अलग हैं, कोई कोई भाषा, कोई कोई भाषा, मतलब अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय उनके राजा के।
ऐसे को बोला जाता है पैच वर्क ऑफ नेशन। मतलब क्या हुआ, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर, मतलब अलग अलग नेशनलिस्ट वाले नेशनलिस्ट लोगों से बना हुआ एक एम्पायर। ऐसे एम्पायर का एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, जहां पर कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं, कुछ लोग मैग्यार बोलते हैं, कुछ लोग पोलिश लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब कुछ कॉमन बात नहीं है। ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर या पैच वर्क ऑफ नेशन। तो यूरोप में जो आपको नेशनलिज्म आया था वो यहीं से आया था कि भाई जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स हैं उसके जगह में नेशन स्टेट को बनाना है, उसके जगह में नेशन स्टेट एस्टैब्लिश करना है। अब ये नेशन स्टेट क्या है, तो नेशन स्टेट के बारे में अर्नेस्ट रेनान नाम के बंदे ने बड़ा मजेदार तरीके से समझाया है, ये आपके किताब में बॉक्स आइटम में है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो लोग जिन लोगों ने एक साथ बहुत बड़े बड़े काम किए हो, जिन लोगों ने एक साथ बहुत सारा चीज अभी भी करना चाहते, उनमें वो विलिंगनेस है, लेट अस डू इट टुगेदर, लेट अस स्टे टुगेदर, ऐसे लोग जो लोग फ्यूचर में ऐसे ग्लोरियस काम और करना चाहते हैं, ऐसे लोग जिनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक ही है, ऐसे लोग जो लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करना चाहते हैं, वैसे लोगों का एक देश, दैट इज नेशन, अर्नेस्ट रेनान का कहना था। मतलब यूरोप में जो पैच वर्क ऑफ नेशंस है वो नहीं होना चाहिए, जहां पर सारे लोगों ने मिलकर एक साथ ग्लोरियस पास्ट को जिया है, जहां एक साथ अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं, और जहां पर एक साथ फ्यूचर में भी जीना चाहते हैं, जहां पर लोगों का एक ही जैसा कल्चर है, एक ही जैसा भाषा है, उन लोगों का एक देश, इसी को नेशन स्टेट कहा अर्नेस्ट रेनान ने। यहां तक क्लियर हुआ बेटा, क्लियर है ना, अभी तक मैंने जो भी समझाया सभी लोग, बाकी स्पर्श मानवी, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते, अब आगे क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात होती है। चलो यूरोप के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको 1789 से शुरू हुआ था, नेशनल असेंबली बना, फिर जैकोबिन क्लब्स आया, फिर नेपोलियन आया लास्ट में जाकर। तो इस फ्रांस में क्या चेंजेस हुआ, अगर आप देखोगे फ्रांस में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने की कोशिश की गई थी। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने का मतलब क्या है कि एक ऐसा फीलिंग जिसमें ये फीलिंग हो यार वी ऑल आर वन, हम सब एक है यार, हम सब का एक ही देश है, ये फीलिंग को लाने की कोशिश फ्रांस में की गई। कैसे, क्या किया उन्होंने, उन्होंने नंबर वन फ्रांस को लपात्री द फादरलैंड ये बोलकर बुलाना शुरू किया, जैसे कि हम भारत माता की जय बोलते हैं फ्रांस में लपात्री। ल सितोइन, सिटीजन्स, पहले फ्रांस में क्या था, सर मदाम ये सब चीज बोला जाता था, अमीर गरीब के बीच में डिफरेंसेस हो जाता था, बोला गया नहीं सब लोग बराबर, सब लोग सिटीजन्स, ल सितोइन। एक नया फ्लैग, ट्राइकलर फ्लैग को लाया गया, जो रॉयल फ्लैग था उसे हटा दिया गया। राजा के टाइम में जो स्टेट्स जनरल था उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया।
पूरे फ्रांस को एक ही जगह से एडमिनिस्टर किया जाने लगा, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, पूरे फ्रांस में एक ही तरीके का कानून इंप्लीमेंट किया गया, पूरे फ्रांस के अंदर जो अलग अलग जगह पे जो कस्टम ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह थे सब हटा दिए गए, एक ही जगह से टैक्सेस। फ्रांस में जो अलग अलग रीजनल डायलेक्ट्स थे, जो रीजनल लैंग्वेजेस थे, उसको डिस्करेज किया गया और फ्रेंच लैंग्वेज को इनकरेज किया गया। फ्रांस के अंदर अपने देश के नाम पर कस्में खाई जाने लगी, फ्रांस के अंदर शहीदों को याद किया जाने लगा। ये सारा सिर्फ इसलिए ताकि लोगों के दिलो दिमाग पर ये बात बैठ जाए कि मैं फ्रेंच हूं और ये मेरा देश है और इस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं हम सब फ्रेंच हैं, हम सब एक हैं। ये फीलिंग को बैठाने के लिए ये सारा स्टेप फ्रांस में लिया गया। तो ये जो फ्रांस में हो रहा था, जो चेंजेस आ रहे थे फ्रांस के अंदर, इससे यूरोप के दूसरे ये देशों में भी इंपैक्ट हुआ था, यूरोप के दूसरे देशों में भी इंपैक्ट हुआ। आपको हॉलैंड में, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, इटली में, ये सब जगह में भी इसका इम्पैक्ट हुआ। ये सारे देशों में जिस तरीके से फ्रांस में जैकोबिन क्लब्स बनाया गया था, उसी तरीके से यूरोप के इन सारे देशों में भी जैकोबिन क्लब्स बना दिए गए। अब ये जैकोबिन क्लब के बनने की वजह से क्या हुआ, जो फ्रांस का जो आर्मी था उसे इन देशों में जाकर इन देशों के ऊपर कब्जा करके वहां के राजा को हटाकर फ्रांस में जिस तरीके का रिफॉर्म हुआ था उसी तरीके का रिफॉर्म इन देशों में भी लाने में आसानी हो गई। उन्होंने चारों तरफ फ्रांस के जैसा ही रिफॉर्म कर दिया, फ्रांस के जैसे ही चेंजेस कर दिए उन्होंने इन देशों में भी। लेकिन क्या इन देशों में फ्रेंच आर्मी को सब जगह बुलाया गया, आओ आओ तुम तो हमें फ्रीडम देने वाले हो बोलकर बुलाया गया सब जगह? नहीं। हाँ, यूरोप के दूसरे देशों के लोग चाहते थे कि फ्रांस के जैसे रिफॉर्म्स हो, ये चीज चाहते थे दूसरे लोग, लेकिन किस कुछ जगह में वेलकम किया गया फ्रेंच के आर्मी में आर्मी को, लेकिन कुछ जगह में अपोज भी किया गया। और वो अपोज इसलिए किया गया क्योंकि वो लोग जानते थे कि फ्रेंच आर्मी के आ जाने से, फ्रांस के कब्जा हो जाने से बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम तो नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे देश के ऊपर फ्रांस का कब्जा होगा, तो अपोज भी किया गया। आप देखोगे फ्रांस में सब कुछ सही चल रहा था, अल्टीमेटली फ्रांस में जाकर नेपोलियन ने कब्जा किया। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन एक कंजर्वेटिव था। नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का राजा डिक्लेयर किया, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? वो लोग जो लोग चेंजेस नहीं चाहते, वो लोग जो लोग पूछा पुराने नॉर्म्स पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस उसी को फॉलो करना चाहते, वो कंजर्वेटिव। नेपोलियन भी कंजर्वेटिव था लेकिन अलग तरीके का कंजर्वेटिव था ये नेपोलियन। नेपोलियन जब फ्रांस में आया तो नेपोलियन ने जो लिबरल आइडियाज थे उनको इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब उसने कंजर्वेटिव के जैसा नहीं, उसने बदलाव किया नेपोलियन ने। नेपोलियन चेंजेस लेकर आया फ्रांस के अंदर, जो काम लिबरल्स करना चाहते थे, जिस तरीके का सोसाइटी लिबरल्स बनाना चाहते हैं चाहते थे उस तरीके का काम, उस उनके आइडियाज को इंप्लीमेंट करने का काम नेपोलियन ने किया। नेपोलियन ने सिविल कोड ऑफ 1804, इसको आप ये भी बोल सकते हो नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, ये लेकर आया। इसके तहत नेपोलियन ने क्या बोला, राइट टू प्रॉपर्टी लोगों को दे दिया, राइट टू इक्वालिटी लोगों को दे दिया, जो पीजेंट्स थे उनको मैनोरियल ड्यूज से छुटकारा दे दिया कि भाई तुमको ये ड्यूज वगैरह कुछ पे नहीं करना, तुम आजाद हो आज से,
नेपोलियन ने मॉडर्न आर्मी बनाने की कोशिश की, नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया, नेपोलियन ने फ्रांस के ऊपर रूल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे सिंपल किया, सिंप्लीफाई किया, नेपोलियन ने जो फ्रांस के अंदर अलग अलग कस्टम ड्यूटीज वगैरह थे वो सब हटा दिए, एक ही कर दिया। नेपोलियन ने जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स एस्टैब्लिश किया, जिसको जॉलवेरिन भी कहते हैं। ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स एस्टैब्लिश किया था नेपोलियन ने, उसमें क्या था, उसमें मोर देन 30 करेंसीज थी। नेपोलियन ने हटाकर सिर्फ टू करेंसीज लेकर आ गया नेपोलियन। उसमें 11 कस्टम बैरियर्स थे, हर कस्टम बैरियर्स में 5% का टैक्स देना पड़ता था, 5% नेपोलियन ने हटा दिया। नेपोलियन ने इसके अंदर रेलवे कम्युनिकेशन वगैरह को इंप्रूव किया, रेलवे लाइंस बिछाए चारों तरफ। नतीजा क्या हुआ, ये इस इलाके में अलग अलग सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट था। जैसे कि अगर एक इंसान फ्रैंकफर्ट में 1 LA कपड़ा खरीदता है तो उसका मतलब था 54.7 सेंटीमीटर, और अगर न्यूरेमबर्ग में जाकर 1 LA कपड़ा खरीदता है तो उसका मतलब था 65.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब तो यही हो गया ना, इंडिया में 1 इंच का मतलब अलग और अमेरिका में 1 इंच का मतलब अलग। यहां पर भी अलग अलग था 1 LA का मतलब। नेपोलियन ने हटा के यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट्स कर दिया। नतीजा क्या हुआ, सब लोग खुश, बिजनेस बढ़ रहा है, वो दूर दूर जाकर ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, इकोनॉमी डेवलप हो रहा है, लोगों के जेब में पैसे आ रहे हैं, लोग अपना प्रॉपर्टी बना पा रहे हैं, द पीपल आर हैप्पी विथ नेपोलियन। बट नेपोलियन ने कुछ गड़बड़ी की। नेपोलियन वॉर के ऊपर वॉर किए जा रहा था, एंड अल्टीमेटली वॉर के लिए खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए। तो नेपोलियन ने क्या कर दिया, टैक्सेस इंक्रीज कर दिया। लोग नाराज हो गए, टैक्सेस इंक्रीज करते ही क्यों टैक्सेस इंक्रीज किया, क्यों इतना वॉर कर रहे हो, और वॉर में लड़ने के लिए आर्मी में लोग चाहिए। नेपोलियन ने फ्रांस के गांव गांव में जाकर लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में रिक्रूट करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। लोग नाराज, मुझे आर्मी में नहीं जाना, तब भी तुमने मुझे जबरदस्ती आर्मी का हिस्सा बनाकर मरने के लिए भेज दिया। जो नेपोलियन ने जो सेंसरशिप वगैरह जो हटा दिया था उसको दोबारा लगा दिया मीडिया के ऊपर। नतीजा क्या हुआ, नेपोलियन ने बहुत सारे अच्छे काम किए लेकिन ये सारे छूट गए बुरे कामों में, एंड नेपोलियन वॉज कॉल्ड डिक्टेटर। नेपोलियन अच्छा बंदा नहीं था, बहुत ही एम्बिशियस था, नेपोलियन को हटाना जरूरी हो गया। एंड अल्टीमेटली बैटल ऑफ वाटरलू जो 1815 में हुआ था, जिसमें ये रसिया, ऑस्ट्रिया, ये ब्रिटेन, ये सब ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया। अभी तक मैंने जो भी बोला समझ में आया बेटा आप लोगों को? वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये जो यूरोप था, इस यूरोप में अलग अलग तरीके के लोग थे। एक था एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट का मतलब हो गया अमीर, अमीर, पावरफुल, खूब पैसा। इनका नंबर्स यूरोप में कम था, ये इनका पॉपुलेशन कम था यूरोप में, बट दे वर वेरी पावरफुल। इनके पास बहुत पैसा था, बहुत संपत्ति था। ये लोग आपस में फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे, इनके आपस में रिश्ते शादियों से बन जाते थे। इनके एक एरिस्टोक्रेट परिवार, दूसरा एरिस्टोक्रेट परिवार, इनके बीच में शादियों से रिश्ते बन जाते थे। ये एरिस्टोक्रेट है, ये भी राजा उजा को सपोर्ट करते थे, इनको अपना फायदा से मतलब है, एरिस्टोक्रेट्स। दूसरा कंजर्वेटिव, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये वो लोग हैं जो लोग चेंजेस नहीं चाहते थे, वो पुरानी दुनिया में जी रहे थे। लेकिन जब नेपोलियन आया,
नेपोलियन ने चेंजेस किया कंजर्वेटिव होते हुए भी, और वो चेंजेस करने के बाद नेपोलियन और पॉपुलर हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो यूरोप के बाकी कंजर्वेटिव्स को भी लगा कि चेंजेस करने से हम और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो हमें हिस्टोरिकली ये एविडेंस मिलता है कि बहुत सारे मोनार्क ने, बहुत सारे राजाओं ने नेपोलियन के जैसा ही मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न आर्मी बनाने की कोशिश की। उन राजाओं ने भी राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी लोगों को देने की कोशिश की। उन्होंने भी पीजेंट्स को मेनोरियल ड्यूज वगैरह से छुटकारा दे दिया। तो उन्होंने भी इस तरीके के काम करने शुरू किए, लेकिन कंजर्वेटिव्स फिर भी कहते थे कि ठीक है, चेंज इज इनएविटेबल, चेंज होना चाहिए, लेकिन ये चेंज स्लोली होना चाहिए, ग्रेजुअली होना चाहिए, और चेंज शुड रिस्पेक्ट द पास्ट, मतलब पास्ट को रिस्पेक्ट करते हुए चेंज होना चाहिए, ये बात कंजर्वेटिव्स करते थे। तो मैंने आपको दो ग्रुप के बारे में बताया कि एरिस्टोक्रेट्स और दूसरा कंजर्वेटिव्स। तीसरा ग्रुप है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वो लोग हैं जो लोग गरीब लोग थे पहले, कॉमन पीपल, जिन लोगों ने मेहनत करके, ट्रेडिंग करके, मैन्युफैक्चरिंग करके, पढ़ लिख के, प्रोफेशनल बन के सोसाइटी में अपना एक स्टेटस क्रिएट किया, वो लोग मिडिल क्लास है। और ये जो मिडिल क्लास है, इस मिडिल क्लास का जो सोच है, जो थिंकिंग है, उसे हम लिबरल की सोच कहते हैं, लिबरल थिंकिंग कहते हैं। ये क्या सोचते थे, ये लिबरलिज्म का मतलब क्या है, ये लिबरल होने का मतलब क्या है? तो इसको तीन तरीके से समझो, पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, सोशल मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म क्या है? गवर्नमेंट बाय कंसेंट बनना चाहिए, मतलब इलेक्शंस होना चाहिए, और जिसे लोग चाहते हैं उसे जिताए और वो गवर्नमेंट काम करे। गवर्नमेंट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द कंस्टिट्यूशन, मतलब कंस्टिट्यूशन होना चाहिए। अनलिमिटेड पावर किसी के पास भी नहीं होना चाहिए, एवरीवन शुड बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कंस्टिट्यूशन। ये लोग क्या चाहते थे? गवर्नमेंट के तीन ऑर्गेन्स बने, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी बने, देश में कंस्टिट्यूशन लिखा जाए। पॉलिटिकली लिबरल का मतलब ये था। सोशली क्या था? जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस अमीरों को दिया जाता था उसे हटा दिया जाए। प्रिविलेजेस शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट, नॉट बाय बर्थ, मतलब जिसने अपने आप को साबित किया है, अपनी काबिलियत को, उसको आप प्रिविलेजेस दो। एक इंसान इस परिवार में पैदा हुआ, इसके लिए उसको फैसिलिटी दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, राइट टू इक्वालिटी, ये चीज था सोशल मीनिंग। पॉलिटिकल मीनिंग में एक और चीज था, वोटिंग राइट टू प्रॉपर्टीड मेन, ये मिलना चाहिए। ध्यान रहे, लिबरल्स सिर्फ प्रॉपर्टीड मेन को वोटिंग राइट देना चाहते थे। लिबरल्स वो लोग गरीब मेन या वुमेन इनको वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे। दैट इज वेयर लिबरल्स आर डिफरेंट देन डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स कहते हैं वोटिंग राइट्स टू एवरीवन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं डेमोक्रेट्स, लिबरल्स नहीं कर रहे। लिबरल्स वोटिंग राइट सिर्फ प्रॉपर्टीड मेन को देने की बात कर रहे। लिबरल्स का इकोनॉमिक मीनिंग क्या है? लिबरल बोलते थे कि जो ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेस में जितने भी रुकावटें हैं उन सबको हटा दो। जैसे कि अलग अलग करेंसीज हैं, हटाओ। अलग अलग सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स है, हटाओ, एक ही करो। जो आपको जगह जगह पर टैक्सेस पे करना पड़ता है, हटाओ, एक ही जगह कर दो ये सब।
मतलब क्या है कि मतलब ये है कि आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दो कि जो इंसान बिजनेस करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, वो बिना किसी रुकावट के एक जगह से दूसरे जगह जा सके, बिजनेस कर सके, ट्रेडिंग कर सके, उसे कोई ना रोके, कोई रुकावट ना हो। इस चीज को इकोनॉमिक मीनिंग हो गया लिबरल का। तो लिबरलिज्म के तीन मीनिंग, सोशल मीनिंग, पॉलिटिकल मीनिंग एंड इकोनॉमिक मीनिंग। समझ में आ गया? जितना भी समझाया समझ में आ गया बेटा अभी तक? इकोनॉमिक मीनिंग में देखो बेटा, आप बिजनेस कर रहे हो मान लो, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हो। अब आपके जो एक्सपोर्ट है उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए, तो क्या आप एक्सपोर्ट सही तरीके से कर सकते हो? नहीं ना। तो वही चीज बोला गया है, ऐसे जो नियम कानून जो है, ऐसे कानून जो बिजनेस को रोकता हो उसे हटाओ ना। जो अलग 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 करेंसीज हैं एक ही इलाके में, हटाओ ना, एक ही करेंसी कर दो, बिजनेस करना आसान होगा। जो अलग अलग सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स है, जो मैंने एग्जांपल लिया था, फ्रैंकफर्ट में 1 LA का मतलब 54.7 सेंटीमीटर और न्यूरेमबर्ग में 1 LA का मतलब 65.6 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जगह बराबर करो, तब जाकर बिजनेस आसानी से हो पाएगा। सब जगह एक ही नियम कानून कर दो, तब तब ये सब चीज जो करना है, इससे क्या होगा कि एक इंसान आसानी से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर, एक जगह से दूसरी जगह जाकर ट्रेडिंग कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, और इससे इकोनॉमी डेवलप होती है। इसी चीज को बोला गया इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। समझ में आया? तो बेटा सबको समझ, सबको आ गया समझ में? जल्दी जल्दी बोलो। पलक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां तक में लास्ट क्लास का खत्म हुआ। अब क्या हुआ? अब चलो, अब आगे बात करते हैं। बड़ा मजेदार मजेदार चीज होने, बात करने वाले हैं। अब ये सब तो बेसिक था, चलो यूरोप का। अब आगे क्या होता है? चलो, नेपोलियन को हरा दिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन, इन सब ने मिलकर हरा दिया नेपोलियन को। अब क्या? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने वीना में सब लोगों का मीटिंग बुलाया 1815 में। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने, ये जितने लोगों ने नेपोलियन को हराया था, सारे देशों को बुलाया, इनका मीटिंग किया वीना में, और इनके बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वीना 1815, ट्रीटी ऑफ वीना 1815। ये समझौता हुआ इनके बीच में। ये समझौता का मेन चीज क्या था? इस समझौते में मेन चीज था कि भाई, ये नेपोलियन सबसे पहले जो कंजर्वेटिज्म था उसको दोबारा स्टेब्लिश करना है। ये नेशनल असेंबली असेंबली जो हुआ सब खत्म करके, 1789 से पहले का जो कंजर्वेटिव्स थे, जो राजा महाराजा थे, जिस तरीके से यूरोप चलता था वैसा ही यूरोप दोबारा बनाना है, ये मकसद था ट्रीटी ऑफ वीना 1815 का। इसी के तहत जो फ्रांस में 1789 से पहले जो बर्बन रूलर्स थे, बर्बन डायनेस्टी थी, 1815 में इन लोगों ने मिलकर फ्रांस के अंदर बर्बन डायनेस्टी दोबारा एस्टेब्लिश कर दिया। दोबारा बर्बन राजा बना फ्रांस में नेपोलियन के बाद। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने फ्रांस के चारों तरफ नए नेशन स्टेट्स बना दिए ताकि फ्रांस दोबारा इतना पावरफुल ना बन पाए और फ्रांस का इंपैक्ट दूसरे जगहों पे ना हो। फ्रांस के चारों तरफ नए नेशन स्टेट्स, जैसे कि बेल्जियम जो है उसे किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को दे दिया गया। किंगडम ऑफ नीदरलैंड को बोला, तुम्हारे हिस्से में बेल्जियम, बेल्जियम को तुम कंट्रोल करो। जेनोवा पीडमोंट को दे दिया गया फ्रांस के साउथ में, पीडमोंट इज अ पार्ट ऑफ इटली, उसको दे दिया गया जेनोवा।
प्रसिया को वेस्टर्न साइड में, फ्रांस के वेस्टर्न साइड में प्रसिया को भी इंपॉर्टेंट टेरिटोरीज दे दिए गए। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कब्जा दे दिया गया। रसिया को पार्ट ऑफ पोलैंड दे दिया गया। अब ये सब चीज इसलिए हुआ कि फ्रांस के चारों तरफ स्ट्रॉन्ग नेशंस क्रिएट कर दो ताकि फ्रांस का इन्फ्लुएंस यूरोप में ना हो। तो ये सारे चेंजेस कर दिए कि जैसा आपको पहले था 1789 में जिस तरीके की दुनिया थी वैसे ही दुनिया दोबारा इस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन इन कंजर्वेटिव्स ने भी जर्मन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स जो नेपोलियन ने बनाया था उसको जैसा था वैसा ही छोड़ दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। जर्मन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए। कैन एनीवन गेस व्हाई? क्यों? सारा तो चेंज कर दिया, सभी जगह तो राजा ले दिया, लेकिन जो नेपोलियन ने जर्मन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स बनाया था उसको इन कंजर्वेटिव्स ने नहीं बदला। कैन यू गेस व्हाई एनीवन? नहीं, नेपोलियन ने कंजर्वेटिव्स को क्या सिखाया था कि चेंजेस करने से भी वो पावरफुल हो सकते हैं। और जर्मन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स में ऑलरेडी इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, फ्लॉरिश कर रही थी इकोनॉमी। इसीलिए ये कंजर्वेटिव्स ने जर्मन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए। आया समझ में? अब इसको एक बार दोबारा समझो। दोबारा आसान भाषा में समझो, नेपोलियन को हरा दिया 1815 में। उसके बाद से ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनी, उसने वीना में मीटिंग बुलाया उन सारे लोगों का जिन लोगों ने नेपोलियन को हराया था। वीना नाम के जगह में मीटिंग बुलाया, फिर वहां पर इन सब के बीच में एक समझौता हुआ, ट्रीटी साइन हुआ। इसी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वीना 1815। ये जो एग्रीमेंट हुआ, ट्रीटी का मतलब एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट हुआ इन देशों के बीच में, उसमें क्या बोला गया, सबसे मेन बात क्या थी, वो थी कि जो पुराना कंजर्वेटिज्म था उसको दोबारा इस्टेब्लिश करना, री इस्टेब्लिश करना। और उसी के तहत उन्होंने क्या किया कि जो फ्रांस के असली राजघराना था बर्बन किंग्स, उनका राज फ्रांस में दोबारा इस्टेब्लिश कर दिया बर्बन डायनेस्टी को। बर्बन डायनेस्टी फ्रांस में दोबारा आ गया, लेकिन कंजर्वेटिव्स को यह डर था कि फ्रांस में दोबारा ऐसा कुछ हो गया तो फिर से यूरोप में, पूरे यूरोप में इसका असर होगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, फ्रांस के चारों तरफ नए नेशन स्टेट्स को बनाना शुरू कर दिया। फ्रांस के चारों तरफ नॉर्दर्न साइड में बेल्जियम जो था उसको दे दिया किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को, मतलब अब बेल्जियम के ऊपर कब्जा किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को। साउथ के तरफ जेनोवा नाम के जगह पीडमोंट को दे दिया गया, मतलब जेनोवा के ऊपर पीडमोंट का कब्जा होगा। वेस्ट के तरफ प्रसिया को भी कुछ और नए टेरिटोरीज दे दिए गए। नॉर्दर्न इटली ऑस्ट्रिया के कब्जा में आ गया, लेकिन इन्होंने जर्मन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया, क्योंकि वहां पर इकोनॉमी डेवलप हो रही थी और कंजर्वेटिव्स ये समझ चुके थे कि चेंजेस करने से भी वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। तो उन्होंने जर्मन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। रसिया को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया। तो इस तरीके से फ्रांस के चारों तरफ नए नेशन स्टेट्स बन गए। फ्रांस में बर्बन किंग्स आ गए, मतलब 1789 से पहले जो राजा महाराजाओं का जो दबदबा था पूरे यूरोप में, उस चीज को दोबारा से इस्टेब्लिश किया गया। ये हुआ ट्रीटी ऑफ वीना 1815 में। लेकिन ये जो कंजर्वेटिव्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे आर सेइंग चेंज इज इनएविटेबल, चेंज होना चाहिए,
लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी कंजर्वेटिव तो कंजर्वेटिव से राजा सब है, कोई इनका क्रिटिसिज्म कर दे इनको पसंद नहीं है। और जो लिबरल्स थे, लिबरल्स खत्म थोड़े ही हुए थे यूरोप से, वो हारे थे, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी था कि यूरोप के अंदर हम फिर से लिबरल सोसाइटी बनाएंगे, लिबरल यूरोप के अंदर हम फिर से कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, ये उनके दिल में था। वो कैसे हटा सकते थे, नहीं हटा सकते थे। तो ये लोग तो क्रिटिसाइज करते थे कंजर्वेटिव्स को, तो कंजर्वेटिव्स ने क्या किया, एक एक करके इनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, मीडिया के ऊपर लगाम लगा दिया, सेंसरशिप, तुम ये नहीं लिख सकते, तुम ये नहीं बोल सकते, बोलकर सेंसरशिप लगा दिया। जो लिबरल्स थे, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कंजर्वेटिव्स को, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया इन्होंने। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये लिबरल्स को भागना पड़ा, छुपना पड़ा, अंडरग्राउंड होना पड़ा, और छुप कर चुपचाप अंदर ही अंदर अपने जैसे सोच के लोगों को, पूरे यूरोप के लोगों को एक साथ इकट्ठा करने की ये कोशिश करने लगे, ताकि फ्यूचर डेट में यूरोप में रेवोल्यूशन किया जा सके। समझ में आया बेटा? पिछले क्लास से लेकर अभी तक की पूरी कहानी, पूरी सीक्वेंस समझ में आ गई? पूरा सीक्वेंस समझ में आना चाहिए। हिस्ट्री है बेटा, हिस्ट्री का मतलब हिज स्टोरी, इट्स अ स्टोरी, डोंट टेक इट एज समथिंग विच इज बोरिंग, स्टोरी की तरह लो। इसीलिए मैं इसमें लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको मैं कहानी बता रहा हूं, दैट इज व्हाई आई डोंट राइट इन हिस्ट्री, जनरली आई डोंट राइट, मैं कहानी समझाता हूं, बार बार कहानी बोलता हूं, ताकि जो कहानी मुझे पता है वो कहानी आपको याद हो जाए, बस काम हो गया, ठीक है? तो यहां तक में सबको क्लियर, एकदम अच्छे से सब कुछ है ना? हाँ, तो अब मैंने देखो बेटा, दो पेज आगे बढ़ाओ, पिछले क्लास में जितना पढ़ाया उससे सिर्फ दो पेज आगे। आपका काम क्या है, जितना पढ़ाया है उतना पढ़ना है और उतने की समरी लिखने की प्रैक्टिस। अभी नोट्स में नहीं जाना है, समरी लिखने की प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद से अपने आप हो जाएगा सारा कुछ, अपने आप आपका। जब एक बार ये चैप्टर का सीक्वेंस याद हो गया, कहां क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको पता चल गया, तो फिर आपको नोट्स लर्न करने में 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। इट्स गोइंग टू सेव योर टाइम, ठीक है? तो चलो आज तो इतना ही करते हैं, इससे ज्यादा नहीं, आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा। मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। अदिति इज प्रेजेंट, अनिंदिता इज प्रेजेंट, कुशाल प्रेजेंट, यश प्रेजेंट, आदित्य अग्रवाल प्रेजेंट, अवनी प्रेजेंट, भूमि प्रेजेंट, मानवी प्रेजेंट, राज प्रेजेंट, रिद्धि प्रेजेंट, स्पर्श आया तो था, हाँ स्पर्श प्रेजेंट, त्रिशा प्रेजेंट, एवरीवन इज प्रेजेंट, वेरी गुड। अगले क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे, और इसको जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वगैरह आता है उससे पहले तक पूरा खत्म कर लेंगे। उसके बाद से इस चैप्टर में सिर्फ 3-4 टॉपिक रहते हैं, 2 क्लास की बात और होगी, मतलब वी आर गोइंग टू टेक 3 more classes, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 3 more classes टू कंप्लीट दिस चैप्टर, एंड विद इन दैट टाइम आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द नोट्स ऑफ ऑल द 3 chapters, ठीक है बेटा? समझ में आ गया? दैट्स इट, मैंने अटेंडेंस ले लिया सबका, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन, सी यू, हैव अ गुड डे। यस बेटा बाय, हाँ इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है।